ऐसे ही मेरी आप ही दोनों आप ही के साथ हो, एक तो इन लोगों के साथ पता नहीं क्यों होता है भाई, पता नहीं अगर तुम लोग देख रहे हो तो। खैर तो दोनों, तब भी पेपर था सही है, ये इम्तिहानों के टाइम पे क्यों, क्या क्या तंग रीजन करते है हैं यार अजीब। ये? खैर मेरे ख्याल पेपर ऐसे था ही कोई बहाने होंगे ना पढ़ने के मेरे ख्याल में। नहीं नहीं खैर ये लोग पेपर था, इन लोग का पढ़ रही थी, ये लोग दोनों के सर नीचे हैं, अचानक से ना डब डब हुआ दोनों नहीं नहीं मुझे नहीं मिलेगा। नहीं ये डिफरेंट था, अच्छा इधर लिख रहे हैं दोनों एक दूसरे को कुछ, मतलब एक दूसरे को नहीं लिख रहे हैं कुछ, अचानक से दोनों पॉज हो गए, पेपर निकाला आप ही ने, अफसा आप ही ने पेपर पे लिखा तुम्हें किसी चीज़ की स्मेल आ रही हो, पास कर दिया, बोला नहीं कुछ, हाँ। आप ही ने नीचे जवाब दिया स्ट्रॉबेरी सी, मतलब मीठी मीठी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, अरे मतलब चुपचाप उठो और निकलो यहाँ से। ये अच्छा आप तुम्हारे ही ने, उसी घर में? हाँ पुराने वाले घर में, अच्छा तो आप ही ने चुपचाप उठो और निकलो यहाँ से। अब वो कह रही नहीं कुछ नहीं होगा छोड़ो ये, ऐसे ने शारों शारों में बात कर ली, एकदम तेज आने लग गए जैसे अगरबत्ती जला दी हो किसी ने मुंह पे आपके, और वो जाहिर है वो उनकी प्रेगनेंस होती है, लेकिन वो सुनने में आया था क्योंकि बोलते हैं कि अच्छे वो वाले हो, अच्छे थे। अच्छे हाँ वाले होंगे। हाँ, हमारे घर में भी आते थे ऐसे अच्छे वाले। अच्छा एक और दफा हुआ था वही पुराने घर में, वो छोड़ दिया तुमने पुराना घर अपना। अच्छा ये उसमें तो बहुत ही स्ट्रेंज हुआ था, भाई लेकर आया अपना पीसी, ठीक है एज भाई की होगी 12 12 13, ओके तो मैं उससे भी छोटी, तो भाई पीसी लेकर आया, भाई ने अपना स्पीकर रखा, सब सेट वेट किया, जब GTA वाला टाइम था ओके सही है, काउंटर तो स्ट्राइक हाँ GTA। हाँ तो ये वाला सारा काम था, तो भाई ने बोला कि भाई मैं अपना गेम्स यहाँ पर डाउनलोड करूँगा, अपना रूम बनाऊँगा, मैं यहीं पर ही सोऊंगा मम्मा, अब मुझे नहीं पता आप लोग कहीं और शिफ्ट कर दें हमारा रूम ये वो, मैंने कहा नहीं छोड़ो बेड रखे रहने दो, तुम अपना गेमिंग रूम भी कर लो जो करना है करो। तो भाई वो अब भाई लेकर आया, आई थिंक 3 से 4 दिन हुए होंगे, तो अचानक से हम जब सोकर उठे ना तो पीसी ऑन किया, ऑन नहीं हो रहा पीसी, अच्छा हमें लगा उड़ गया या आईसी उड़ गई या पता नहीं क्या क्या जो भी उसके सारे पार्ट्स हाँ होते हैं, हमें लगा उड़ उड़ गया। अब भाई को तो जस्तजू हुई देखने की, मैं वायर वगैरह देखूं, पीछे देखा सारे वायर कटे हुए बकायदा कैंची से, तो फिर हमारी एक फुप्पो थी, मतलब फुप्पो नहीं पप्पू ने कजन, किया था? अच्छा कजन थी पप्पा की, वो आई अच्छा ओके तो उन्होंने आके बताया, उनको फील हो जाता था, तो वो ओके आई उन्होंने नियाज वगैरह करी, उसके बाद वो बाहर उन्होंने बोला नहीं यहाँ पे ना कुछ है, तो उनको गाने गेम्स इन सब से ना चिढ़ हो रही थी, ओए होए 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 तो उन्होंने काट दिया है, तो तुम ऐसा करो ये उठा के अपने दूसरे रूम में रख दो, वायर्स वगैरह फिर से रिपेयर कराओ, फिर देखो कि अगर कुछ होता है कि नहीं, कुछ नहीं हो उस रूम में थे स्पेसिफिकली, वो नमाज पढ़ना या जो करना सब कुछ वहाँ पे था। एक दफ़ा उसी घर में मेरी अम्मा उठी, उठ के फजर के वक्त अचानक से, मतलब बैठी हुई थी लाउंज में, अचानक से नल खुलने की आवाज़ आई। अच्छा हमारा एक नल भी लगा हुआ था, मतलब बेसन ही बना हुआ था पूरा, एक प्रॉपर जगह बनी हुई थी वहाँ पे, समझ लें सहन होता है ना, सहन में बना हुआ था, ओके तो लाउंज हमारा वो वाला बहुत बड़ा घर था हमारा सही है। तो मैंने काफी देर से हमारा की नहीं है, अब कर दिए। चलो आप तो ना काफी ओपन था, मतलब लाउंज भी हाँ वही है, तो हमारा किचन भी वही है, तो सहन भी वही है, अब आप बहुत बड़ा कर लें उसको, तो सब कुछ सामने सामने हो रहा है जो भी हो रहा है, तो अम्मा लाउंज में बैठी है तो सामने सहन है, वहां का एकदम से नल खुल गया, पानी बह रहा है, तो हमारी अम्मा बस बैठी हुई है, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, उसे पानी बहता हुआ देख रही हैं। हाँ बंद हो गया, बंद भी हो हाँ गया? बंद हो गया, हाथ धोने के लिए खोला होगा किसी ने मेरे ख्याल। नहीं नहीं फजर का वक्त था वुजू करने के लिए, और ये ओ पता कैसे चला, ये पता कैसे चला, जब अम्मा को थोड़ा वो है ना मैं कमरे में चली जाती हूँ, तो वो जाने के लिए उन्होंने देखा ना जहाँ पे, मतलब हमारी अम्मा का रूम था राइट पे, लेफ्ट लेफ्ट पे सॉरी दिस इज माई लेफ्ट, लेफ्ट पे, और जो वो कमरा था ना वो राइट पे था, उनका रूम राइट पे था, तो अम्मा को यहाँ जाने के लिए, और ये रहा सहन, तो यहाँ जाने के लिए सहन से थोड़ा होता है वह जाना पड़ता, तो जब वो जा रही थी ना तो उन्होंने देखा इतना बड़ा पाँव तो होगा, और वो पानी वाला पैर नहीं बन जाता नीचे फर्श पे, वो बने हुए थे ऐसे 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 नहीं करो कमरे की तरफ, तो फिर उनको ये एहसास होगा कि कोई वजू करने आया। हमारी अम्मा इतनी मासूम बेचारी वो सो गई खैर जाके, बहुत ही मासूम है यार। हाँ
उनको तो सुबह उठते पहले घर खाली करना उसी रूम में, चाहिए। उसी रूम में एक दफा हमारी कोई अम्मा की कजन आके रुक रुक गई। बहुत आला। सही है। अच्छा कुछ था उस दिन, शायद शबे बारात थी या कुछ थी, तो ज्यादा लोग हो गए, तो उन्होंने बोला हम नीचे सो जाएंगे, कोई मसला नहीं, नीचे मैट्रेस डाल दो। अच्छा ये बात तो आपने सुनी होगी कि गेट के पास सोना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी गेट हो। ये नहीं स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ है तो यहाँ नहीं सो, कोई भी गेट पे, रास्ते में नहीं सोना चाहिए। वो भाई मैट्रेस बिछ गया, वो ऐसे मैट्रेस बिछा कि अगर गेट खुले तो गेट नहीं खुल सकता। हाँ मैट्रेस बिछा हुआ, तो वो सो रही थी रात में, फजर के वक्त ऐसी कुछ टाइम होगा, फजर या 8-9 के टाइम ऐसी कुछ टाइम होगा, उनको रख के थप्पड़ मारा मुंह पे नींद में कि तुम यहाँ गए। अच्छा उनको ये नहीं पता लगा कि मुझे मारा है तो किस वजह से, थप्पड़ पड़ा जोर से और वो उठ के बैठ गई कि थप्पड़ आएगा इसमें, तो सो रही आराम से। नेक्स्ट डे पर उनको भी थोड़ी फीलिंग्स आती थी, तो उन्होंने बोला ये तो गलत किया मैंने गेट पे सो के भाई, और इस रूम के गेट पे, यहाँ पे तो कुछ है। अच्छा वो रूम खाली रहता था या कुछ? खाली नहीं था, बस वो ये था एक स्पेसिफिक ना रूम बन जाता है कि वहीं पर ही जाएंगे, वहीं से गुजर होगा। ओके। वो वाली चीज थी। एक दफा मैंने गाने लगा दिए, गाने लगा के मैं आ गई, टिकटॉक बना रही होगी तो मैंने नहीं, मैंने स्पीकर पे गाने लगा के हम खाना खाने आ गए सहन में, हमने मैंने बोला खाना खाते हैं, वो हम लोग अभी तक याद है आलू गोश्त चावल बने थे, तो वो मैंने आलू गोश्त निकाले, चावल निकाले, गाने चल रहे हैं। अच्छा गाने स्टेक नहीं बने थे? नहीं, वो उससे एक दिन पहले बन गए, तो हमने सोचा कुछ देसी खा ले। तो अच्छा पहले लैपटॉप से ऑक्स वाला कनेक्शन था, ब्लूटूथ वाला नहीं था, नहीं हाँ वो खराब हुआ होगा शायद। खैर तो ऑक्स लगी हुई थी, मैंने ऑक्स लगाई, गाने लगाए, फटाफट मैं आ गई। हम खाना खा रहे थे, अचानक से गाने बंद हो गए। मैंने कहा आ गया होगा कुछ, पॉज हो गया होगा या लैपटॉप बंद हो गया होगा, जो भी है मैंने देखा भी नहीं। मैं थोड़ी देर बाद उठ के गई तो वो ऑक्स निकली हुई थी। हाउ कम ऑक्स निकली हुई थी? गाना पॉज हुआ हुआ है बकायदा और ऑक्स निकली हुई है, और ये चीज मैंने, और ऑक्स ऐसे भी नहीं कि ये निकाली यहाँ रख दी, हल्की सी नहीं हो तो यूं निकाल के पीछे कर दी बस, कि वो और वो वहीं अटकी लगी हुई भी है। हाँ अच्छा हमारे एक जानने वाले हैं वो इमरान भाई ना, तो वो आएंगे इंशाल्लाह पॉडकास्ट में। उन्होंने किस्सा सुनाया कि यार मेरा दोस्त और उसकी जो है ना अम्मा, वो दोनों बस माँ बेटा रहते हैं, और मैं उसकी अम्मा का बड़ा ख्याल रखता हूँ क्योंकि दोस्त मेरा अच्छा है, और जाहिर सी बात है अम्मियों से एक अलग अटैचमेंट हो जाती है लोगों की। तो इमरान भाई की वालदा का इंतकाल हो गया था, और वो जाहिर सी बात है वो एक एक उस स्टेज में थे कि बैड फेज में थे एक तरह से ना, तो वो जो है अपने दोस्त की अम्मा का बहुत ख्याल रखते थे ना कि अम्मी आपके लिए मैं कुछ लाऊं कुछ हो। तो एक दफ़ा क्या हुआ, वो लालू कहते किसी घर में रहते थे, तो जो है कि वो एक दफ़ा घर में गए तो उन दोस्त की अम्मा जो है ना वो नीचे बैठी हुई थी ना, मतलब नीचे वाले पोर्शन में बैठी हुई थी, और उन्होंने कहा था कि यार बस अम्मी कैसी हैं आपकी? हाँ बेटा ठीक ठाक, तुम बताओ खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? हाँ मैं ठीक हूँ अम्मी, आप खैरियत से? कुछ चीज़ लाओ? नहीं नहीं बेटा बस ठीक है, बस बेटा असर की नमाज का वक्त हो रहा है, मैं ज़रा वज़ू कर लूँ, मैं वज़ू कर कर आती हूँ। ठीक है, वो वज़ू करने से ऊपर गई हैं, वो ठीक है ऊपर देख रही हैं, देख रहे हैं देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद पता चला कि अम्मा जो है ऐसा दरवाजे से निकल कर आ रही हैं। अरे इमरान बेटा तुम कब आए थे? खैर मैं तो इतना ही सुना था, इसमें कितना सच है कितना झूठ वो तो खुद बताएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत सच्चाई से बताया था कि अजलान मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त की अम्मा ऊपर गई हैं कि बेटा मैं वजू करने जा रही हूँ, मैं आती हूँ। एक ही जाने का रास्ता, एक ही आने का रास्ता, वो ऊपर गई है, मोबाइल वाइल में लगा, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, मोबाइल वाइल में लगे रहे, पता लगा यहाँ से उसकी अम्मा आ रही है। अरे इमरान बेटा तुम कब आए? ओह गॉड, है बड़ा फिल्मी सीन, बट ये एक्चुअल में सीन हुआ था, होता है। हाँ जी, तो ये किस्से तो बहुत है सुनाने के लिए, लेकिन ये है कि हाँ पर्सनल एक्सपीरियंस तो कभी नहीं हुआ, अल्लाह करे हो भी नहीं, आमीन सुमा ना आमीन। भी हो पता चल मंजुली का बन गए तो ये जो फनी आप, ये जो आप एलिमेंट दे देते ना, ये गलत करते हैं आप। मैं आप क्यों हंसा रहे हैं सबको? मैं हंसा कर रहा हूँ, आप उसी माहौल में रहे। मैं वो फुल ना बन जाऊं के रात के 12 बजे मजा आएगा। मिनाज अली अस्करी।